ओके सो वाओ द फ्रेग्रेंस, इसकी प्राइस बताओ? जस्ट 200 रुपीज। यस यू हर्ड इट राइट, आई एम शॉक्ड ब्लू हेवन, आई एम शॉक्ड। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस क्लीन गर्ल मेकअप लुक। एंड ये जो मेकअप लुक है, ये ऑफिस गोइंग गर्ल्स वगैरह वेयर करते हैं, सो ये कुछ उससे रिलेटेड है। एंड मुझे एक्चुअली लग नहीं रहा है दैट मैंने मेकअप अप्लाई किया हुआ है, ये इतना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। तो यहाँ जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, ये फुल ब्लू हेवन के न्यू जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जो न्यू प्रोडक्ट रेंज लॉन्च हुआ है, उसको यूज़ किया है। सो प्रोडक्ट्स कैसे हैं और व्हाट इज़ माय थॉट, व्हाट इज़ माय रिव्यू, एंड कैसी है एप्लीकेशन, प्राइसिंग, एंड क्या इंग्रेडिएंट्स अपडेट हुआ है, क्या पैकेजिंग अपडेट हुई है, चलिए सारी बातें कर लेते हैं। गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप लुक। मैंने ना सेंटर पार्ट कर लिया है और ऑल्सो मैंने ब्राउन लेंस वेयर किया है टू गेट द नेचुरल वाला इफेक्ट। जब भी हम अगर आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं, जब भी हम नेचुरल मेकअप नो मेकअप करते हैं तो हम बहुत सटल सा लेंस वेयर करते हैं, अगर आपको करना है तो। बट ये जो लुक है, ये जैसे कि आपको मैंने इंट्रो में बता दिया, ये लुक मैंने बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ किया हुआ है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स, मतलब मैं लिटरली मैंने ऑर्डर किए हैं सारे प्रोडक्ट्स। अगर होगा तो मैं कहीं पे यहाँ पे लगा दूंगी प्रूफ कि ये मैंने ऑर्डर किया है, मुझे किसी भी ब्रांड ने पीआर नहीं भेजा। आई नो ये जो ब्रांड अभी जो आप वीडियोस देख रहे हो, ये सब स्पॉन्सर्ड ही हैं और ये यू नो पर्पल डॉट कॉम पीआर कर रहा है। सो आई एम नॉट वर्किंग विद पर्पल डॉट कॉम करंटली, तो मैंने खुद ऑर्डर किया बिकॉज आई नो कि मुझे मिलने वाला तो है नहीं, तो मैंने खुद ऑर्डर किया हुआ है। तो जो भी रिव्यू होगा, जो भी एप्लीकेशन के टाइम पे मैं जो भी बोलूंगी, मैं सच सब कुछ मैं सच कहूंगी, इसलिए नहीं कि मतलब खराब नहीं बोलूंगी, मुझे जो फील होगा मैं वो बोलूंगी। सो मुझे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिसीव हो गए और मुझे, मैंने दो बार ऑर्डर किया क्योंकि मैं एक बार सेटिंग स्प्रे ऑर्डर करना भूल गई थी, तो मुझे दो तो सैंपल भी मिला है। एक ये पर्पल डॉट कॉम का, एक ये पर्पल का 24K गोल्ड प्राइमर मिला है जो मेरे पास ऑलरेडी है। सेकेंडली मुझे एक गुड वाइब्स का सीरम मिला है, तो इन्होंने अपना दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट के तौर पे लोग देते हैं। सो आज मैं स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने, मैं जस्ट अभी वीडियो करने बैठी हूँ। सबसे पहले मैं लिप को मॉइस्चराइज करूँगी, एंड ये मेरा फेवरेट है ब्लू हेवन का लिप बॉम। इसमें है शायद ये मेरा स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी सरप्राइज, यस। इसमें ना आपको शिया बटर, वाइटामिन ई, आमंड ऑयल मिलता है। पैकेजिंग बहुत क्यूट है, आप देख सकते हो। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये मेरे पास पहले भी था, फिनिश हो गया तो मैंने ये न्यू लिया है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, ब्लू हेवन प्रेप एंड फिक्स प्राइमर एंड सेटिंग मिस्ट। बहुत अफोर्डेबल सारे प्रोडक्ट्स आपको 300-350 ऐसे रेंज में मिलते हैं, प्लस अभी पर्पल पे शायद फ्लैट 25% या 20% डिस्काउंट है। तो मेरा जो टोटल हुआ था वो 2500 कुछ का हुआ था, बट मुझे 1700 में मिल गया था सब। सो दिस इज द प्रोडक्ट, मतलब बॉक्स देख के तो लग रहा था काफी बड़ा कुछ होगा, बट दिस इज द प्रोडक्ट। थोड़ा सा पिंकिश कलर है, पैकेजिंग आप देख रहे हो ब्लू हेवन ने बिल्कुल अपडेट कर दिया है, इनसेन पैकेजिंग बना दी है, और प्राइसिंग भी बहुत नहीं बढ़ाया। ब्लू हेवन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अराउंड 300-250 ऐसे रेंज में आते थे, इन्होंने 50 रुपीज और बढ़ा के थोड़ी सी अपनी प्राइसिंग वाइजिंग, मतलब पैकेजिंग वगैरह ठीक की है। और इसमें पिंकिश काइंड ऑफ कलर है। इसमें जो इंग्रीडियंट्स आपको मिलते हैं वो है वाइटामिन बी, ई एंड एलोवेरा, और पैराबेन फ्री है ये प्रोडक्ट। इसकी कैप ब्लैक के बाद जो सिल्वर है और फिर पिंक है वो बहुत अच्छी लग रही है। ओके सो वाओ द फ्रेग्रेंस, मैंने बहुत सारे ब्लू हेवन के वीडियो किए हुए हैं, तो उसमें मैं कई में कहती हूँ कि मुझे ना इनके प्रोडक्ट्स के फ्रेग्रेंस अच्छे नहीं लगते, तो फ्रेग्रेंस बहुत कमाल का कर दिया ब्रांड ने अभी। सो अब मैं इसे स्प्रे करूंगी। आई हैव टू फाउंडेशन शेड्स विथ मी, आई थिंक सो, लेट मी सी, लेट मी चेक, यस आई हैव टू फाउंडेशन। सो एक है ये ब्लू हेवन हाइपर मैट फाउंडेशन, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्लू हेवन फ्रेश एंड फ्लॉलेस फाउंडेशन। शेड्स भी मेंशन है, देखो आप क्या शेड्स इसमें एक्चुअली अवेलेबल है, देख सकते हैं आपको। थिंग ऑफ द हाइपर मैट फाउंडेशन लुक्स लाइक दिस, और ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं इसकी प्राइस बताऊँ? जस्ट 200 रुपीज। यस यू हर्ड इट राइट। और ये है ब्लू हेवन फ्रेश एंड फ्लॉलेस की पैकेजिंग, और इसकी प्राइस है 350। ये वाला जो है ये रोज फेयर वाला शेड है, वनीला वाला,
You can see it's not matching. Now the next one is natural, जो मेरा shade है, ठीक है? ये देखो, ये पूरा ही yellow tone में है, ये पूरा ही pinkish tone में, that's why मैंने दो shade लिया. अब मैं दोनों को ना mix कर दूँगी. You can mix your foundation, guys. Not only this brand, आप चाहो तो आपके पास जो भी foundations wrong shade में भी है ना, आप उसको भी mix कर सकते हो. It's totally fine. Also मैं यहाँ पे tools use करूँगी for sure. मेरे पास Blue Heaven का ये blender है. अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले एक full coverage foundation आता है 350 rupees का, जिसमें ये blender free देता है brand. मैंने वो लिया था. तो ये मुझे वाकई बहुत पसंद है. So now I'm going to dab it on my skin and let's see the coverage of this foundation. मैंने लगभग पूरा ही ले लिया है. एंड क्योंकि हम क्लीन गर्ल मेकअप लुक कर रहे हैं एंड वी वॉन्ट नेचुरल फिनिश, तो क्योंकि मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ना, इससे थोड़ा नेचुरल फिनिश ही आता है ब्लेंडर से. व्हाट यू थिंक, मुझे एक और लेयर अप्लाई करना चाहिए? बट दिस इज़ अ वेरी यू नो क्लीन गर्ल मेकअप लुक, तो आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए. सो इसलिए आई एम गोइंग टू स्किप दिस पार्ट. मैंने दो फाउंडेशन मिक्स किया था. अगेन आई एम टेलिंग नाउ ना, मेरे पास कंसीलर में दो शेड है, विच इज़ दो वेरियंट है. मैं इसमें ना, इस कंसीलर में मैंने आई थिंक सारे कलर्स खरीद लिए, बट मुझे मेरा अभी तक का शेड पता नहीं चला. मैंने क्रीम भी लिया, हनी भी लिया, दिस टाइम मैंने वनीला ले लिया है गुस्से में, क्योंकि मुझे कोई शेड मैच नहीं करता. सो ये है ब्लू हेवन का फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर एंड माई शेड इज़ हनी. मेरे पास इसमें ना, देख सकते हो यहाँ पे आप कलर्स दिया हुआ है, शेड रेफरेंस दिया हुआ है. सो मेरे पास इसमें वनीला ये मैंने लिया, क्रीम भी है मेरे पास और एक कैरमल भी है. कैरमल व्हीटिश स्किन लिखा है बट मुझे वो भी नहीं जाता. दिस इज ब्लू हेवन इरेज एंड इनहेंस वाला कंसीलर. इसकी प्राइस है 400 और इसमें भी मैंने वनीला शेड लिया हुआ है, क्योंकि शेड थोड़ा मिल नहीं रहे थे, बहुत तेजी से सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट हो रहा था. सो पहले ये यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शेड वनीला है. ये वाला तो आपको मैंने कई बार रिव्यू में दिखाया, बट मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे वैसे भी ब्लू हेवन में राइट शेड नहीं मिलता. इसलिए पैकेजिंग बहुत कमाल की है. यहाँ से आप ओपन करते हो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का दिखता है कि डिस्पेंस हो रहा है कलर वगैरह, और यहाँ पे आपको पुश करना है. सो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आएगा. नाउ ऊपसी, द शेड इज वेरी वेरी बैड. नाइस, प्लस अभी सारे प्रोडक्ट आपको मैंने बताया ना कि कम प्राइस में पर्पल पे मिल रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ पर्पल पे है. ये लिखा है फुल कवरेज पेन है ये, लेट्स सी, देखते हैं. वैसे तो मैंने शेड हाइलाइटिंग वाला पिक किया हुआ है, बट मुझे जो ब्लू हेवन के प्रोडक्ट से फ्रेग्रेंस वाली प्रॉब्लम थी ना, वो मुझे अभी एकदम नहीं हो रही है. वेरी हैप्पी कि ये प्रोडक्ट्स मैं अपने से खरीद के रिव्यू कर रही हूँ, सो दैट मैं आपको अपना ऑनेस्ट वाला फीडबैक दे सकूँ. इट्स बहुत ही ओके सा फिनिश है. ओके नाउ अभी हम आई थिंक पाउडर यूज़ करेंगे, और पाउडर मैंने ऑर्डर नहीं किया था बिकॉज आई ऑलरेडी हैव पाउडर मैंने ऑर्डर नहीं किया था बिकॉज आई ऑलरेडी हैव और आई थिंक इसमें कुछ लॉन्च भी नहीं हुआ है. डू लेट मी नो, शायद मैं भूल गई या पता नहीं. एक ये जो फाउंड इनके जो शेड्स होते हैं ना ब्लू हेवन के, ये मुझे बहुत कन्फ्यूजन वाले लगते हैं. देखो अब ये नेचुरल शेड है पर इतना डार्क है कि मैं आपको क्या बताऊं. ओके नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आईब्रोज. मैं आईब्रोज पहले कर लेती हूँ. दिस इज अ स्कल्प्ट एंड सेट आईब्रो जेल. कुछ पैकेजिंग इस तरह की है और इंटरनल पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है. इसमें आपको मिलता है बीज वैक्स, विटामिन B5 एंड फाइबर्स. तो मैंने इसमें ग्रे कलर लिया, इसमें ब्राउन भी था. मैं हमेशा ब्राउन शेड लेती हूँ, इस बार मैंने ग्रे ले लिया. अभी अब मेरे आईब्रोज देख रहे हो ना, बिल्कुल शेप में नहीं है. तो ये जो क्लीन गर्ल मेकअप लुक है, इसमें आपको एक्चुअली स्पूली वाला ही प्रोडक्ट यूज़ करना है. मतलब जो स्पूली में आपके आ जाएगा वो आपको लेना है, ऐसा कुछ है. यह स्पूली वाला ही प्रोडक्ट लेना है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक. और मैं अपसाइड पे अप्लाई कर रही हूँ, और रेस्ट ओवर जो भी बच गया है प्रोडक्ट उसको मैं पीछे लेके जा रही हूँ. लेट मी नो आपको क्या लग रहा है. मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा है. लाइक इसकी जो स्पूली भी है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो इट्स वेरी वेरी नाइस. इट्स नॉट वेरी थिक, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, इट्स नॉट वेरी डेंस ऑल्सो, और बहुत पतली भी नहीं है कि गैप्स को फिल इन ना करे. सो आई एम लिटरली
impressed. What do you think? सो अब मैं एक डिप में मैंने एक आईब्रो किया है, अब सेकेंड डिप में कर रही हूँ सो दैट आई कैन डू माई द सेकेंड आईब्रो. मेरे आईब्रोज अभी बिल्कुल शेप में नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू. बट अगर मैं बोलूँ ना कि इसमें ये मुझे कैसा लगा, आई एम इम्प्रेस्ड. आई थिंक कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा शायद मुझे ब्राउन लेना चाहिए था. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट आपको कैसा लग रहा है. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लिप एंड चिक टिंट. ओके सो ये लिप एंड चिक टिंट है एंड इसमें एवोकाडो ऑयल, मैंगो बटर एंड एप्रिकॉट ऑयल है. सो ये है 250 रुपीज़ का और इसकी इंटरनल पैकेजिंग कुछ इस तरह की ही है ना. इसमें जो मेरा शेड है वो है फ्लैशी पिंक. तो मैंने पता नहीं क्यों पिंक, मैंने एक्चुअली सोचा ही नहीं था ना कि मैं ये लुक करूँगी, ये आने के बाद हुआ है. तो आई एम जस्ट स्माइलिंग एंड यहाँ पर लिफ्ट करते हुए. अब देखो हमेशा मैं इस साइड का थोड़ा ऐसे लगाती हूँ और इस साइड का थोड़ा ऐसे, गलत हो जाता है अक्सर ही. इज एक्चुअली पिगमेंटेड. सो अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी. ये बहुत क्रीमी है, इतना गजब से ब्लेंड होता है ना कि आप मतलब फैन हो जाओगे इसके. ओके सो दिस इज द ब्लेंडिंग साइड और सेम मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख रहे हो कितना आसानी से ब्लेंड हो रहा है. मैं भी ये ना प्रोडक्ट लिप एंड चिक टिंट ट्राई करना चाहती थी. इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, आपको कहीं पे ऐसे ऐसे उंगली नहीं करनी है. डैम स्टोब एंड शेप कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग डुओ. इसमें आपको एवोकाडो ऑयल एंड मैंगो बटर मिलता है. सो लेट मी सी द इंटरनल पैकेजिंग. सो ये है पैकेजिंग और ये है इसकी इनर पैकेजिंग. तो यहाँ पे आपको कॉन्टोर मिलता है जो कि आई थिंक एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा पिगमेंटेड तो होगा. ओके द शेड इज रियली नाइस. इसमें कोई शेड है क्या? कितना आसानी से ग्लाइड कर रहा है यार. एक्चुअली गाइज इसकी पिगमेंट इतनी कमाल की है, बट ये जब ब्लेंड होता है तो बहुत सॉफ्टली विदाउट एजेस एंड ऑल, मतलब कोई एजेस वगैरह नहीं देता. और डैम ब्लेंड हो गया गाइज और आप देख सकते हो. ओ माई गॉड, मतलब मैं इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ ना इन सारे प्रोडक्ट्स से कि मैं आई एम शॉक्ड. ब्लू हेवन आई एम शॉक्ड. यू बैंग ऑन, आपने बहुत अच्छा काम किया है. ऑल्सो गाइज मेरे पास एक और लिप एंड चिक टिंट ही है ये ना, लिप टिंट है ये. ये है जोजो होबा ऑयल एंड वाइटामिन ई वाला. ये 250 रुपीज़ का है. तो ये इसमें ना मुझे और भी दो तीन कलर्स अच्छे लगे थे, बट मैंने एक्चुअली कुछ पिंक टाइप ऑफ मेकअप दिमाग में रखा था. तो ये कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. मुझे कुछ रिमाइंड कर रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा सॉरी, आई फॉरगॉट टू यूज द हाइलाइटर, सो लेट्स यूज इट. हाइलाइटर ना मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी, बिकॉज ये जो नो मेक, ये जो क्लीन गर्ल मेकअप लुक है ये उसके हिसाब से मुझे अप्लाई करना है. डैप करियो और लाइटली प्रेस करी और ये मेरे स्किन पे बिल्कुल ग्लाइड कर जा रहा है. आई लव इट. इसमें जो मैंगो बटर एंड एवोकाडो ऑयल का वो जो दिया हुआ है ना, इंग्रेडिएंट्स आर नाइस. व्हाट डू यू थिंक गाइस? लेट मी सी. वो बिल्कुल नेचुरल. मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने एक्चुअली मेकअप अप्लाई किया. मुझे इतनी देर से मैं मेकअप लगा रही हूँ क्या, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है गाइज. ओके नाउ लिप एंड चिक टिंट लगाते हैं. एंड ये जो शेड है ये बहुत ही अलग शेड ले लिया मैंने, बट आई हैव टू यूज इट एनीवे. बट थैंक गॉड मेरा जो ब्लश ऑन है उसके साथ ये जाएगा. कुछ
कुछ बचा तो नहीं है. ओ आई मेकअप तो पूरा ही बचा है. यस आई मेकअप बचा है. सो आई मेकअप के लिए ना मैं अपने स्टोव क्रीम को यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज माई आईज आर लुकिंग वेरी वेरी फ्लैट. सो ये जो कॉन्टोर साइड है इसको मैं ऐसे अप्लाई करूँगी एंड इसको मैं फिंगर. ओ गॉड गाइज ये फिंगर की हेल्प से भी बहुत अच्छा ब्लेंड हो रहा है. लेट मी टेल यू दिस. थोड़ा सा पॉप देने के लिए मैं जो हाइलाइटर है इसको मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे, बट नॉट टू मच. डोंट वरी ये बहुत सटल वाले हैं ना इसलिए मैंने सेंटर पे अप्लाई किया. और देखो अभी मैं इसको इस तरीके से डिफ्यूज कर दूंगी जहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लगाया था. जहाँ शुरू किया था ब्राउन कलर बस वहाँ तक मैं उसको ड्रैग कर दी. व्हाट डू यू थिंक बताओ. बट क्योंकि मैंने लिप पे पिंक कलर लगाया ना सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये जो पिंक कलर मैंने लिया था इसे मैंने ले लिया. और देखो आप हल्का सा ना बस एक टिंट दे दूंगी. ओके सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है मस्कारा है वो है ब्लू हेवन लेंथ मस्कारा लॉन्ग लैश क्रीम मस्कारा है ये. सो इसकी प्राइस ओके 150 रुपीज की है. एंड लेट्स ट्राई. अभी तक मेरे पास ब्लू हेवन के जितने भी मस्कारा है मैं सच बताऊँ मैं सबको ये बोलती हूँ कि ठीक है आप प्रैक्टिस करना चाहते हो हाउ टू अप्लाई मस्कारा तो ले लो. लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है. ये वाटर प्रूफ है क्या. ओके वाटर प्रूफ है. नो क्लम्पिंग लाइट वेट एंड क्विक ड्राई. और इसकी फोटो देखो आप इसने इन्होंने क्या क्लेम किया कि ऐसा था ऐसा हो गया. एक्चुअली बहुत डेंस है ऐसा लग तो रहा है कि ये जो बोल रहा है ये कर सकता है. देखते हैं थोड़ा इसमें फाइबर्स अगर वगैरह ऐड करे ब्रांड तो मे बी हो. गाइज आई एम लविंग माई मेकअप लुक टूडे. मैं झूठ नहीं बोलूंगी ये कैरी करके आई कैन गो टू 5-star होटल ऑल्सो. मतलब इतना अच्छा लग रहा है. तो मस्कारा हमेशा विगल करके अप्लाई करना चाहिए. लैशेस जो है वो व्हाट डू यू थिंक. लैशेस क्लम्पी नहीं होते तो आपको क्या लग रहा है ये मस्कारा क्या है कैसा है. आई तो लव इट. ओके गाइस सो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है बस लास्ट चीज बाकी है. अभी ऐसे लगाना रिस्क लग रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज की बैक ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर पे इसको ले लेती हूँ एंड नाउ ऐसे ऐसे करके अप्लाई करती हूँ ऑन माई फेस. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. सम ब्यूटी शॉट्स एंड हम अपना मेकअप लुक फिर करेंगे कंप्लीट. सो गाइज ये मेरा आज का मेकअप लुक. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. एंड यस गाइज अगर ये कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना. मैं और सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय लव यू एंड टेक केयर.